दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनासोनिक एलुगा रे 530 की FRP के बारे में। और अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो मोबाइल है इसमें FRP लॉक लगा हुआ है और ये है पैनासोनिक एलुगा रे 530 मॉडल है। इसका मॉडल आप लोग देख सकते हैं और आज की वीडियो में आप लोग बताऊँगा किस तरह से आप लोग इसकी FRP को बाईपास कर सकते हैं बिना कंप्यूटर के। आपको बस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और आप इसको बाईपास कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद हमें एक वाईफाई कनेक्ट कर लेना है और हम यहाँ पे अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं जो हमारे पास है। और वाईफाई कनेक्ट करने के बाद उसके बाद इस तरह से आपके सामने दिखाई देगा चेकिंग फॉर अपडेट्स। उसके बाद ये आगे जाएगा सेटअप न्यू पे, हम यहाँ कर देंगे। उसके बाद जैसे ही ये कुछ सेकंड के बाद हमारे सामने ये आ जाएगा, यहाँ पे हम अगर अपना पुराना पैटर्न डाल देंगे तो भी मोबाइल हमारा खुल जाएगा या हम अपनी पुरानी जीमेल आईडी, अगर दोनों नहीं पता है तो हम किस तरह से इसको बाईपास करेंगे यही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों उससे पहले आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन भी दबा लीजिए। और यहाँ से हम टॉक बैक ऑन कर लेंगे और यहाँ पर जब हम टॉक बैक ऑन कर लेंगे उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर यल टाइप कर देंगे और यल टाइप करते ही यहाँ पे हम टॉक बैक सेटिंग में चले जाएंगे। और टॉक बैक सेटिंग में यहाँ पे जाने के बाद हम दो फिंगर से इसको स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे। और यहाँ पे इसके बाद हमें सबसे पहले टॉक बैक ट्यूटोरियल पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें टॉक बैक को कर देना है ऑफ़। और टॉक बैक ऑफ़ करने के बाद हम एक फिंगर से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी या हेल्प एंड फीडबैक पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये छोटी सी विंडो खुलती है और यहाँ पर हम हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें सर्च करना है गेट स्टार्टेड विद वाइस। यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो FRP बाईपास करते हैं उन्हें पता होगा, इसे खोलने के बाद हमारे यहाँ पे एक वीडियो ओपन हो जाती है। अगर वीडियो यहाँ पे नहीं ओपन हो रही है तो आप लोगों को किस तरह से करना है इसको यही मैं आप लोगों को बताऊँगा और किस तरह से इसको करना है आप लोग सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हैं। जब यहाँ पर हम गेट स्टार्टेड विद वाइस सर्च करेंगे तो इसके बाद हमें किसी भी पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वीडियो इनमें से किसी पे भी नहीं दिखाई देगा। और अगर वीडियो यहाँ पे नहीं आएगा तो हम इसके आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसके बाद हमें यहाँ पे यूज मोर्स कोड वाले पे क्लिक कर देंगे तो एक वीडियो ओपन हो जाएगी और इसे हम प्ले कर देंगे। यूज मोर्स कोड वाले पर ही ये वीडियो ओपन होगी और जब इस पर इसको हम शेयर बटन पर क्लिक कर देंगे और 3 डॉट पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा यूट्यूब हो जाएगा यहाँ पर ओपन। अब YouTube ओपन होने के बाद तो जो करते हैं उन्हें तो पता है कि किस तरह से इसकी FRP बाईपास करते हैं, जिन्हें नहीं पता है वो देख लें। यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें चले जाना है टर्म्स एंड प्राइवेसी पे। उसके बाद हमारा क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे ओपन हो जाएगा और क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे, यहाँ पर हम इस पर भी सर्च करते हैं, न्यू विंडो पर भी सर्च कर सकते हैं। हमने यहाँ पर न्यू विंडो ओपन कर लिया और यहाँ पर हम सर्च करते हैं, सबसे पहले देखते हैं फाइल यहाँ से हमारी डायरेक्ट ओपन हो जाती है कि नहीं। यहाँ पे हमने फ़ाइल टाइप किया लेकिन फ़ाइल मैनेजर हमारा नहीं आया, तो मतलब यहाँ से हम डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड करेंगे, एपेक्स लॉन्चर APK, और इस ऐप को पहले हमें करना है डाउनलोड। और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद पहले हमें डाउनलोड करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये यहाँ पे हमारी डाउनलोडिंग यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पे हम इसको अलाउ कर देंगे, परमिशन दे दें, ओके कर देंगे और ये हमारी हो गई डाउनलोडिंग स्टार्ट। इसके बाद हमें थोड़ी देर वेट करना है, इंटरनेट की स्पीड जिस हिसाब से आपकी होगी उस हिसाब से ये डाउनलोडिंग डाउनलोड हो जाएगा, उसी टाइम से उतना ही टाइम लगेगा। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा ओपन का, और जब आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी तो जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम इसको कर लेंगे ओपन, ओपन करने के बाद हम सेटिंग ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम इसको परमिशन दे देंगे, अलाउ कर देंगे। उसके बाद हम इसको कर देंगे इंस्टॉल। अब एपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल जब तक नहीं होता तब तक हमें वेट करना है और इसको इंस्टॉल होने में कुछ सेकेंड लगेगा, उसके बाद हम इसको कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद हमारे सामने इस तरह से खुल जाएगा और इस तरह से जब हमारे सामने खुल जाएगा तो यहाँ पे हम स्किप कर देंगे इसको, और स्किप करने के बाद फिर से हमारे सामने ये खुल जाएगा और यहाँ पे हम कर देंगे कैंसिल। फ्री ट्रायल वाले पे भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम विंडो ओपन कर लेंगे और इसमें चले जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ से पहले चले जाते हैं सिस्टम पर और यहाँ से हम देख लेते हैं हमारा डेवलपर ऑप्शन आता है कि नहीं। अगर यहाँ से आ जाता है तो हम OEM यहाँ से ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पर फ़िलहाल ये क्लिक नहीं हो रहा है, हम यहाँ से ऑन नहीं कर सकते हैं,
और हम चले जाते हैं बैग। और बैग जाने के बाद हम सबसे पहले चले जाएंगे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में, सिक्योरिटी एंड लोकेशन। और इसमें हमें जाने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ डिवाइस एडमिन ऐप वाले पे, और हम यहाँ पे फाइंड माय डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देंगे। और इसको डीएक्टिवेट करने के बाद हमें चले जाना है अब ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में। और ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पे सी आल पे कर देंगे और यहाँ पे शो सिस्टम ऐप करेंगे। उसके बाद हम इसको नीचे जाएंगे और यहाँ पे हमें सर्च करना है, देखना है एप्लीकेशन गूगल प्ले सर्विस। यहाँ पे हम देखेंगे इसमें हमें गूगल अकाउंट मैनेजर यहाँ पे इस मोबाइल में नहीं दिखाई देगा, और अगर दिखाई देता है उसको भी हम डिसेबल कर देंगे। और हम यहाँ से गूगल प्ले सर्विस को भी डिसेबल कर देंगे। इसको डिसेबल करने के बाद गूगल प्ले सर्विस अगर आपके मोबाइल में है तो उसको भी डिसेबल करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे इसमें देख सकते हैं इसमें गूगल प्ले सर्विस नहीं है तो हमें उससे डिसेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ से बैक, और बैक जाने के बाद हम फिर से हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और यहाँ पे हम मेमोरी कार्ड लगा दिए हैं और देखते हैं अगर इसमें शो करता है तो हम यहाँ से उसको इंस्टॉल कर देंगे, और अगर नहीं शो करता है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केवल फ़ोन स्टोरेज शो कर रहा है, तो हमारा मेमोरी कार्ड इसमें शो नहीं कर रहा है। हमने वही एपेक्स लॉन्चर जो डाउनलोड किया वही इसमें दिखा रहा है। तो इसके लिए हम चले जाएंगे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम किसी भी विंडो में यहाँ पे हम सर्च करेंगे। पहले हम यहाँ पे गूगल सर्च कर लेंगे, www.google.com सर्च कर लेंगे। और इसको सर्च करने के बाद जब हमारे सामने गूगल की विंडो खुल जाएगी तब हम यहाँ पे एपेक्स लॉन्चर तो हमने डाउनलोड किया है, यहाँ पे हमें टेक्नो केयर ट्रिक्स APK डाउनलोड करना है। टेक्नो केयर ट्रिक्स APK ये एक एप्लीकेशन होता है, और इसको हम डाउनलोड इसको हम पहले यहाँ पे सर्च मारेंगे इसको लिख के। और जब हम इसको सर्च करेंगे तब हमारे सामने जब ब्राउज़र ओपन होगा जो सर्च रिजल्ट आएगा उसमें हमें यहाँ से हमें डाउनलोड करना है इसको। अब किस विंडो में किस में ये होगा ये फ़िलहाल ढूंढना पड़ता है, क्योंकि सारे में तो ये मिलता नहीं है। अभी जो हमने यहाँ पे ओपन किया है यहाँ पे इसमें देखते हैं डाउनलोड होता है कि नहीं। अगर डाउनलोड हो जाता है यहाँ से तो हम इसको कर लेते हैं, और अगर नहीं डाउनलोड होता है तो हम किसी दूसरे में देखेंगे। और यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे अभी सर्च हो रहा है। और दोस्तों आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और साथ में अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। तो हम यहाँ पे सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे सबसे ऊपर वाले पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये सर्च करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद हमारे सामने ये एप्लीकेशन इस तरह से आ जाएगा। हम यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे, और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पर हम वेट हमें करने को कह रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्लिक हियर पे कर देंगे तो ये तुरंत हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हम कर देंगे ओके। उसके बाद हमें थोड़ी देर वेट करना है जब तक ये कंप्लीट डाउनलोड नहीं हो जाता है। और डाउनलोड होने के बाद इसकी भी विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जैसे कि एपेक्स लॉन्चर डाउनलोड होने के बाद हमारे सामने विंडो ओपन हुई थी। तो तब तक हमें वेट करना है जब तक ये कंप्लीट डाउनलोड नहीं हो जाता, और अपने आप ये यहाँ पे ओपन का ऑप्शन नहीं आ जाता है। और कुछ देर आपको वेट करते रहना है, और डाउनलोड होने के बाद ये अपने आप यहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, और उसके बाद हम उसको वहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। तो अभी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है, और थोड़ा सा टाइम लगता है, 28 MB का ये एप्लीकेशन है। और इंटरनेट की स्पीड अगर अच्छी है तो ये जल्दी से डाउनलोड हो जाता है, अगर थोड़ा स्लो है तो इसमें लगता है टाइम डाउनलोड होने में। 28 MB की एप्लीकेशन थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पे जैसे ही ये डाउनलोड होगा यहाँ से हम इसको कर लेंगे ओपन, और ओपन करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते चले जाएंगे। और नेक्स्ट पे क्लिक करते जब चले जाएंगे तब इसको ये होने लगेगा यहाँ पे इंस्टॉल, और इंस्टॉल होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और क्योंकि ये थोड़ा लंबा एप्लीकेशन होता है। जब तक ये कम्प्लीट ये यहाँ से हम इसको कर देंगे डन इसको इंस्टॉल होने के बाद, और हम यहाँ से हमें जाना है बैक। बैक जाने के लिए हम यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं, और एक क्लिक में हम बैक चले जाएंगे। और बैक जाने के बाद हम फिर से ओपन कर लेंगे सेटिंग, और सेटिंग ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे जाना है हमें यूजर एंड अकाउंट में, और यहाँ पे हमें गूगल पे क्लिक करना है। और गूगल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करेंगे,
और यहाँ पे हमारे सामने थोड़ा सा हमें वेट करना है, और यहाँ पे हमारे सामने इस तरह से विंडो ओपन होगी, और यहाँ पे हम अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड, कोई भी जीमेल आईडी पासवर्ड डाल के हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। हमारा कोई भी जीमेल आईडी पासवर्ड जो भी होगा, कोई सा भी, यहाँ पे हम लॉगिन कर सकते हैं इससे, और यहाँ से हम लॉगिन हो जाएगा हमारा जो भी जीमेल आईडी और पासवर्ड आपके पास है कोई भी हो। और यहाँ से जब हम हमारा लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद हम चले जाएंगे बैक, बैक जाने के बाद ये आईडी हमारी यहाँ पे दिखाई देने लगी। उसके बाद हम और बैक चले जाएंगे, और बैक जाने के बाद हमें फिर से जाना है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में, और उसके बाद हमें सीएल में जाना है। और यहाँ से हमने जो एप्लीकेशन यहाँ पर हमने डिजेबल किया था, यहाँ पर डिजेबल्ड ऐप के पे क्लिक करेंगे तो हम इसको कर देंगे, गूगल प्ले सर्विस को इनेबल कर देंगे। और इसको इनेबल करने के बाद हम मोबाइल को कर लेंगे रिस्टार्ट। मोबाइल को रिस्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, मोबाइल जब तक आपका ऑन नहीं हो जाता हम आपको वेट करना है, और मोबाइल जब कंप्लीट आपका ऑन हो जाएगा उसके बाद आपको सेटअप कर लेना है जिस तरह से हम नए फ़ोन का करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप सेटअप कर लीजिए। मोबाइल में आपके ये जीमेल आईडी जो हमने डाली है, ये अपनी जीमेल आईडी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, और मोबाइल ऑन होने के बाद हम उसको वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, या अगर हम चलाना चाहें तो कोई बात नहीं, हम उसे ही यूज कर सकते हैं, और अगर हम रिमूव करना चाहें तो वहाँ से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, मोबाइल हमारा पूरी तरह से चलेगा। और यहाँ से हम अपना सेटअप कंप्लीट कर लेंगे, और सेटअप कंप्लीट करने के बाद मोबाइल हमारा ओके हो जाएगा। अगर हम चाहें तो वहाँ से एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, और एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के साथ हम जीमेल आईडी भी वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और अगर चाहें तो वही जीमेल आईडी हमें अगर यूज करना चाहें तो हम वही अपनी जीमेल आईडी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इस ट्रिक से आपके मोबाइल की जो ये मॉडल है आपका पैनासोनिक एलुगर 530, इसकी FRP 100% रिमूव हो जाएगी।